बिहार शिक्षक भर्ती फिर से नया पैर पसार रही, फिर से एक नई भर्ती लेकर आ रही। जी हाँ, अब बीपीएससी अब तीसरी फेज की भर्ती के लिए तैयार है, जहां पर लगभग 70,000 पदों पर भर्ती होने जा रही है। लगातार क्यों कह सकते हैं, पदों की संख्या कम हो रही है, लेकिन भर्तियों के क्रम है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। अगर अभी तक आप बिहार में शिक्षक नहीं बन पाए, तो आपके लिए फिर एक बार मौका है खुद को तराशने का, खुद की कमियों को खंगालने का और फिर वापस अपने ट्रैक पर जाने का। जी हाँ, अब 70,000 पदों पर फिर से बड़ी भर्ती की जो अब सुगबुढ़ाहट दिखाई दे रही है, वो जल्द ही आपके जमीन पर आ जाएगी। लेकिन इसके लिए आप ये ध्यान रखिएगा कि अभी तक आपने क्या क्या कमियां थी, आपने क्या क्या गलती की, जो आगे की परीक्षा में आपको नहीं करनी है। एक बात और आपको ध्यान रखना होगा, और आप सभी को जानना जरूरी होगा कि भर्तियों के साथ साथ एक विशेष बात आपको रखना होगा, अब कोचिंग का दामन छोड़कर नोट्स क्यों लौटना होगा, क्योंकि अब कोचिंग से ज्यादा अब आपको नोट्स पर फोकस करना होगा, अब आपको एनसीईआरटी पर फोकस करना होगा, अब आपको सेल्फ स्टडी पर फोकस करना होगा। क्योंकि अब आपने देखा कि जो कोचिंगों में पढ़ाए जाते हैं वहां से प्रश्न आया ना है, लेकिन एनसीईआरटी से प्रश्न जरूर आते हैं। और आप देखेंगे एक एक मैराथन क्लास हमारी देखिए, पूरे पूरे सवाल अगर हम बात करें एसएसटी के, तो ज्योग्राफी के 40 सवाल जो पूछे गए थे उसमें से लगभग 35 सवाल ऐसे हैं जो मैराथन क्लास का हिस्सा था। आप मैराथन क्लास भी देख सकते हैं, पेपर भी देख सकते हैं, चाहे हिस्ट्री का पेपर रहा हो। तो कहीं ना कहीं मैं फिर से कहूंगा कि कोचिंग की दुनिया से दूर होकर फिर से आप एनसीईआरटी की तरफ बढ़िए, एनसीईआरटी की तरफ रुक करिए और सेल्फ स्टडी पर फोकस करिए। अगर मैं बात करूं तो यहां पर आपके सामने 3-4 बातें दिखाई देंगी जो यहाँ पर ये संकेत देती हैं कि अब आप फिर से भर्ती के लिए तैयार हो जाए तीसरे चरण के तहत। जी हाँ, अगर हम बात करें तो जो तीसरा चरण है इसके जो तहत यहाँ पर तीसरा चरण के तहत राज्य में 71,000 शिक्षकों की होगी नियुक्ति। अब अभी तक बीपीएससी लगातार भर्ती करती है, अब तीसरे चरण की तरफ बढ़ चुकी है, जहां पर अगर हम बात करें इस माह के अंतिम सप्ताह तक नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और यहां पर रिक्त पदों का जो विवरण है वो शिक्षकों के मांगे जा रहे हैं। मैंने अगर अभी तक आप बिहार में सिलेक्शन नहीं मिल पाया था या बिहार शिक्षक भर्ती में भी आपकी दूरी थी, अभी भी अपनी तैयारी जारी रखिए। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, तैयारी में कभी गैप मत करिएगा, आप लगातार निरंतर पढ़ते रहिएगा और एक दिन आपका सफलता का सूरज जरूर आपके सामने और आपको सफलता की अंतिम मंजिल तक पहुंचाएगा। यहाँ पर हमने आपने देख लिया कि रिक्तियों का विवरण मांगा जा रहा है। अब यहाँ पर कुछ अन्य अहम बातें हैं, जैसे कह रहा है कि राज्य में तीसरे चरण के सरकारी विद्यालय में 71 शिक्षकों की नियुक्ति और होगी। इसके लिए शिक्षा विभाग के जिलों में शिक्षक के पद विषयवार रिक्तियां आ गई, मतलब इसमें जो विषयवार रिक्तियां थी वो भी धीरे धीरे आ चुकी, क्योंकि अब ये कहा जा रहा है कि अब हर जिले से फिर जो नियुक्ति होने के बाद कितने पद रह गए हैं उन पर बात चल रही है और प्रक्रिया इस माह के अंत तक प्रारंभ होगी। इसको लेकर शिक्षा विभाग की तैयारियां की जा रही है, माने इस माह के अंत तक, अभी तक तो हम जनवरी माह में थे लेकिन हम फरवरी माह में आ चुके हैं, फरवरी माह के अंत तक इस पर जो प्रक्रिया है वो काफी तेज गति से गतिमान होगी। क्योंकि थोड़ा सा हो सकता है ब्रेक लगे, क्योंकि बिहार में जो सरकार थी उसमें थोड़ा सा परिवर्तन देखने को मिला है, लेकिन अभी देखना है आगे आगे क्या होता है और जो भी हो अच्छा हो, देशहित में हो, राष्ट्रहित में हो और अभ्यर्थी के हित में हो। शिक्षा विभाग के उच्च पदस्थ अधिकारी ने बताया कि शिक्षकों के खाली पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया इसी माह शुरू की जाएगी, इसके लिए विज्ञापन जारी किया जाएगा। शिक्षा विभाग द्वारा जल्दी इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग के माध्यम से बिहार लोक सेवा आयोग की अधियाचन ना भेजी जाएगी। तो यहाँ पर फिर से जो परीक्षा होगी बीपीएससी के माध्यम से होगी, ये भी पूरी तरह से स्पष्ट है। जिलों में अब तक कोई जानकारी के मुताबिक करीब 70,000 खाली पद रहने की उम्मीद है, हालांकि पदों की जो वास्तविक संख्या की जानकारी सभी जिलों से मुकम्मल रिपोर्ट आने के बाद स्पष्ट होगी। मतलब ये भी कहा जा रहा है कि जो रिक्त पद थे वो अभी तरह से कितने ही स्पष्ट नहीं हो पाए, लेकिन हाँ सभी जिलों से रिक्त पदों का ब्यौरा मंगाया जा रहा है और जैसे रिक्त पदों का ब्यौरा स्पष्ट हो जाएगा सारी बातें एकदम साफ और स्पष्ट हो जाएंगी। आगे अगर हम बात करें यहाँ पर तो जिलों यहाँ पर कहा जा रहा है कि अब दूसरे चरण की नियुक्ति के तहत जो पूरक रिजल्ट अब प्रकाशित नहीं किया जाएगा, मतलब जो शेष रिजल्ट है, जो पूरक रिजल्ट है, सप्लीमेंट्री रिजल्ट है, वो जारी नहीं किया जाएगा। शेष पदों को जोड़कर फिर से नई विज्ञप्ति की जाएगी, फिर से नए पदों की भर्ती के लिए जारी हो सकता है। अब इन 15,000 पदों में भी तृतीय चरण की नियुक्ति जोड़ा जाएगा, माने जो बचे हुए पद थे उन्हें तृतीय चरण की जो नियुक्ति होना है उनमें इन पदों को जोड़कर एक तीसरी नई भर्ती सामने आएगी। आयोग के माध्यम चयनित 2,50,000 से अधिक शिक्षकों की नियुक्ति पत्र दिया गया है। दूसरे चरण के चयनित शिक्षकों को स्कूल आवंटन किया जा रहा है। पहले चरण में नवंबर 2023 और दूसरे चरण में 13 जनवरी 2024 को राज्य भर में नियुक्ति पत्र दिया गया। दोनों चरणों के पूर्व में 20 से 25,000 शिक्षक आयोग द्वारा भी चयनित हुए थे। तो यहाँ पर आप देखें कि बिहार में लगातार शिक्षकों की भर्ती की जो प्रक्रिया है वो गतिमान है और आप अपनी गति को भी बनाए रखें। और आप सवाल उठता है कि एनसीईआरटी एससीईआरटी पर फोकस करते रहे। अगर आप नोट संबंधी अगर कोई जानकारी ई लर्निंग विद दुर्गेश के ऑफिस के नंबर पर काले व्हाट्सएप के माध्यम से आप यहाँ पर एनसीईआरटी के सभी नोट, क्योंकि एनसीईआरटी और एससीईआरटी जो है वो अभी भी आपके लिए इसकी बेस है और मील का पत्थर साबित होगा, इसलिए ये चीजें आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ पर एनसीईआरटी की जो पूरी कंप्लीट नोट्स है वो आपको यहाँ पर उपलब्ध है, एनसीईआरटी और एससीईआरटी इन दोनों की, क्योंकि इसमें भी एक ओल्ड है और न्यू
और अपडेटेड, ये तीनों आपको यहाँ पर मिल जाएंगी कक्षा वार। यहाँ पे बात करें तो 6 से लेकर 12 तक कंप्लीट आपको एनसीईआरटी की नोट्स आपको मिल जाएगी, हिंदी अंग्रेजी दोनों मीडियम उपलब्ध है। वैसे इस वीडियो को शेयर करें, अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप टेलीग्राम पर बिना स्पेस दिए दुर्गेश सर सर्च कर सकते हैं। जी हाँ, जैसे आप दुर्गेश सर सर्च करेंगे ई लर्निंग भी दुर्गेश आगे उसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। मेरे द्वारा सभी क्लासेज आपके लिए निःशुल्क देशित में और राष्ट्रहित में उपलब्ध होगी। आप लोग इस वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक नहीं कर तो लाइक कर रखें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलेगा। और ये वीडियो आप सभी के लिए काफी अहम और काफी महत्वपूर्ण होने जा रहा है। हम चाहेंगे इस वीडियो के साथ, इस सेशन के साथ आप अपना जुड़ाव भी बरकरार और बनाए रखें। वीडियो को लोगों तक पहुंचाते रहेगा, अगर कोई सवाल कोई प्रश्न हो तो इस वीडियो में कमेंट सेक्शन के माध्यम से आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और अपनी तैयारी को जारी रखिएगा, क्योंकि रेस घोड़े हमेशा रेस में अच्छे लगते हैं, खेत में नहीं, और आप रेस के घोड़े हैं। और आपको पता है प्राइमरी के लिए प्राइमरी का सीटेट और जूनियर के लिए जूनियर का सीटेट आपको पास होना चाहिए। और अगर हम बात करें टीजीटी पीजीटी के लिए तो एस्टेट आपको पास होना अनिवार्य है। तो इस प्रकार आप अपने रेस को आगे रखिएगा और यकीन मानिए आपका सरकारी शिक्षक बनने का सपना जल्द ही पूरा और साकार होने वाला है। तो आप सभी को बहुत बहुत शुभकामना, उनको जिनकी नियुक्ति हो गई, जिनकी नहीं हो गई, अपने जुनून और अपने जज्बे के साथ अपने क्रम को, अपने कर्मा को यूं ही आगे बढ़ाते रहे, यकीन मानिए आपका भविष्य उज्जवल होने वाला है। बहुत बहुत आभार आपका। जय हिंद, जय भारत।